हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मैं भी बढ़िया हूँ, एक नंबर हूँ। तो भाई काफ़ी दिनों से मैं यार बहुत ही दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ। क्या वीडियो बनानी थी भाई, हुकुम भाई के डॉग्स हैं और सागर भाई है फिलहाल आ रहे हैं। तो वैसे आप लोगों ने वो लास्ट वाला पॉडकास्ट देखा मेरा, नहीं देखा सागर भाई के साथ, इसमें डाल रखा था मैंने हाउ टू बिकम अ पैरा कमांडो। जिन्होंने नहीं देखा भाई जाके देख लो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाकी आज मैं आपको सागर भाई के सारे डॉग्स दिखाने वाला हूँ। तो डॉग्स एक बार ग्लिम्प्स दिखा देते हैं आपको चारों तरफ, फिर सागर भाई से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इन डॉग्स के बारे में। देखो दो डॉग वो रहे, निक्स, ये भाई ओपन ग्राउंड में आज डाल रखे हैं हमने। और भाई एक दो तीन चार डॉग्स ये रहे और पांच भाई इधर घूम रहा है। तो सागर भाई से इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको दिखाते हैं आज बहुत ही फैंटास्टिक व्लॉग। सागर भाई से मिलवाते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, जो वैसे तो जो मेरी ऑडियंस है वो जानते होंगे कि लास्ट पॉडकास्ट में सागर भाई को दिखाया था। बाकी ये रहे अपने सागर भाई, सागर भाई का स्वागत है अपने व्लॉग में। थैंक यू। बाकी आज भाई सागर भाई से इनके डॉग्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे, मेरा यार बहुत मन था। और सागर भाई, भाई बता दूं आपको मैं, बहुत ही बड़े डॉग लवर हैं ये, तो खैर फिर भी इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं। कोई सागर भाई को अगर कोई छोटा सा पप्पी इंडियन ब्रीड का या कोई भी ऐसा दिख जाता है तो उसे भी ये बिल्कुल बहुत ही बच्चों की तरह प्यार करते हैं। बाकी भाई से आज भाई के डॉग्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको दिखाता हूँ। चलो पहला डॉग दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये पहला डॉग है, बाकी सागर भाई बताएंगे इसके बारे में। सागर भाई इसका नाम क्या है? भाई इसका नाम वैसे तो रियो है, ठीक है, और ये बेल्जियन मेनलॉइज है, ठीक है। जैसा कि आप थोड़ा सा देख ही रहे हैं, ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव कह सकते हैं हम कि बिल्कुल प्रोटेक्शन डॉग है। ये डेंजरस ब्रीड में बहुत लोगों ने क्या किया, अगर हम बेल्जियन मेनलॉइज के बारे में सर्च करेंगे तो ये हमें सिर्फ बाइट करता हुआ नजर आएगा कि बाइट खा रहा है, काट रहा है, ये सब कर रहा है, बट ये वैसा नहीं है। ये प्रोटेक्शन ब्रीड है, एक तरीके से गार्डिंग ब्रीड है, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक तरीके से क्या कहते हैं कि एजिलिटी इसको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसको कोई अगर एक कमरे में रखना चाहे वो नहीं रख सकता इसको। बाकी हाँ, हमने भी जो वीडियोस देखी उसमें ये दिखाया था कि बहुत ही अग्रेसिव डॉग है, किसी कंट्रोल में देता, लेकिन जैसे मैं अभी आपके पास देख रहा हूँ बड़ी प्यार से बैठी है, कोई भी इतना कुछ मतलब नहीं। एक्चुअली आप क्या स्ट्रेंजर की तरह मेरी तरफ आए, क्योंकि बहुत बार आपका कम आना जाना रहता है, तो एक तरीके से आपको स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करेगी, मतलब प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब ये कि अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्शन ब्रीड है, डेंजरस ब्रीड नहीं है। डेंजरस ब्रीड डेंजरस कोई नहीं होती, डेंजरस उसको बनाया जाता है। बाकी में ये मतलब ज़्यादातर ये वाली ब्रीड डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज, डिफेंस में हो गया, या ज़्यादातर आपको जो टैक्टिकल में ज़्यादातर यूज़ आएगा, या जो ज़्यादातर जितने ये PSA गेम्स खेलते हैं, इनके जो एजिलिटी गेम्स होते हैं ज़्यादातर, आपको उनमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आएगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई ड्राइव और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परामेंट वाली ब्रीड है इसको। फर्स्ट ऑनर इसको मैं तो यही कहूँगा कि ना ही रखे तो ज़्यादा बेटर है। तो सागर भाई ये आपके पास कब से है? ब्रो मेरे पास ये हो गया अप्रॉक्स 2.5 साल की, ये फीमेल है, 2.5 साल का हो गया, और मैंने अभी इसका फर्स्ट लीटर लिया है। वो जो उधर है वो इसका सन है। अच्छा। वो मैंने एक बंटी सर है उनका खुद का क्या कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर है, मैंने वहाँ से ब्रीड कराया था। तो मतलब आप इसको बिल्कुल बच्चा ही लाए थे, बड़ा लेकर? मैं इसको पपी लेके आया था। अच्छा, तो आपने अपने अपने हाथों से इसको बड़ा किया है? और ठीक है। वैसे सागर भाई देखने में तो यार ये बिल्कुल अभी तो शांत स्वभाव की लग रही है। नहीं, शांत स्वभाव की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्पेशलिटीज बताओ कि मतलब ये डिफेंस में क्यों यूज होती है इतनी ज्यादा? ब्रो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस में ये इसलिए यूज होती है क्यों, एक तो मतलब ये किसी भी टेरन में यूज हो सकती है, इसको ये नहीं है कि ठंड हो जाएगी, ज्यादा गर्मी हो जाएगी, बीमार कम होती है नंबर फर्स्ट, और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा, और डिफेंस में सबसे ज्यादा इसलिए यूज होती है, बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है ये, डेंजरस ब्रीड, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ। लोग भाई इसको डेंजरस ब्रीड कहेंगे, अरे वो तो काट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये प्रोटेक्शन ब्रीड है, बट ये डेंजरस ब्रीड नहीं है, डिफेंस में इसीलिए यूज होती है, इसकी एजिलिटी काफी अच्छी है और इजी टू ट्रेन है ये, मतलब ट्रेन करने में। भाई ये इसका पप्पी है, इसका नाम क्या भाई? इसका नाम बगीरा है, अभी हमने बगीरा नाम रखा, ये 2.5 मंथ्स का है अभी। ये भाई 2.5 महीने का है, इसका नाम बगीरा है। और देखो भाई वीडियो बनने लगी तो सारे डॉग्स अपने आप ही सागर भाई के पास आ गए, क्योंकि भाई वो है ना ओनर से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि बच्चों की तरह पालते हैं ये। अगर कोई भी सोचता है कि भाई सागर भाई ने 5-6 कुत्ते पाल रखे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सागर भाई इसका ही बताओ, मतलब बहुत लोग पूछते हैं यार इतने सारे कुत्ते पालने का मतलब क्या है, इसलिए पालते हो आप कुत्ते? ब्रो सबसे पहले देखिए, अभी मैं आपको नॉर्मली बता दूं, मैं ब्रीडर नहीं हूं, ठीक है। अगर मैं ब्रीडर हूंगा तो मेरे को ना तो डॉग की टेक केयर ज़्यादा करनी होगी, ना मैं इनको रख रखा ना मैं इनको टाइम दूंगा। फर्स्टली मैं ब्रीडर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मतलब मेरे को शौक है, जैसे हर किसी का शौक होता है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को मतलब मैं इस शौक के ऊपर पागल हूँ एक तरीके से, मेरा सारा दिमाग इन्हीं में है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेनर हूँ, मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ,
ठीक है, गवर्नमेंट से भी और सिविल से भी। हाँ तो भाई यही मैं यही दिखाना चाह रहा था कि लोग कहते हैं यार, और लोकेलिटी के आसपास कहते हैं इन्होंने इतने सारे कुत्ते पाल रखे हैं कि ये प्रॉफिट बेस्ड प्रॉफिट के लिए पाल रहे हैं। भाई प्यार है एक। अब मैं भी भाई कुत्तों से बहुत मुझे डर लगता है, लेकिन जब से मैं इनके यहाँ आ रहा हूँ ना, तो मुझे भी कुत्तों से एक अलग ही लगाव हो गया, प्यार हो गया है। कौन कह रहा भाई? एक मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रीड्स हैं, मान लो ये हो गया या जर्मन शेफर्ड हो गया, ये एक तरीके से आपका मतलब ये प्रोटेक्ट कर दिया आपको। मतलब आपने कोई सपोज कहीं आप फार्म हाउस में रहे, जैसे आपको ही पता मेरा घर बिल्कुल गांव से बिल्कुल अलग है, एक अलग उस लोकेलिटी में है, बट हमको कोई मतलब इतने टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमको कोई बंदा रखने की जरूरत नहीं है, हमको कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये गार्ड कर रहा है उसको। हम मतलब टेंशन फ्री होके मतलब किसी का भी ऐसा कोई हुआ ना, सपोज कि जैसे आपने देखे होंगे कि पंजाब में बहुत बहुत दूर पे घर होते हैं कई कई किलोमीटर, ये ब्रीड रख लो, मैं तो यही बोलूंगा, और टेंशन फ्री होके सो जाओ। सागर भाई अब इसके बाद आप इस वाली डॉग के बारे में बताइए, इसका नाम क्या है, कौन सी ब्रीड है इसकी? ब्रदर ये इसका नाम तो वैसे मैगी है, ये जर्मन शेफर्ड है। इसका जो ओरिजिन है, और जैसे इसका ओरिजिन बेल्जियम से है, उसका ओरिजिन जर्मनी से है। अच्छा अच्छा। मतलब ये सबसे ज़्यादा हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा पुरानी ब्रीड, दो ही ब्रीड सबसे ज़्यादा एवरग्रीन है। किसी भी आप नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि आपको कौन सा पपी रखना है या कौन सी ब्रीड रखनी है, तो वो यही बोलेगा कि यार मेरे को जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर। तो जर्मन शेफर्ड है, और जर्मन शेफर्ड में भी ये दो तीन वेरिएंट होते हैं, बट ये जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट है, तो ये भी एक तरीके से गार्डिंग पर्पस से ही है जी। भाई काफी प्यारे कुत्ते हैं सागर भाई के। भाई इसकी एज क्या होगी? इसकी एज भी 2.5 इयर्स के समथिंग है, मतलब 2 साल के थोड़ा सा ऊपर ही है। ये भी फीमेल ही है? फीमेल ही है ये भी। ये भी फीमेल है? ये भी फीमेल है। अच्छा। और बेसिकली मैंने मतलब अभी स्टार्टिंग में मैंने फीमेल ही लिए, क्योंकि एक छोटा सा रीजन मैं भी ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि फीमेल ज्यादा, मतलब एक मेल तो मैंने अभी स्टार्टिंग में रखा है, और एक इंडी ब्रीड रखी हुई है मैंने। अच्छा, वहाँ पे एक इंडी ब्रीड है। मेल मैंने इसलिए अभी नहीं रखा क्योंकि मेल का जो रखा हुआ है, और मतलब मेल को क्या प्रॉपर टाइम देना होता है, हम एक बार को फीमेल को मतलब अगर इतना टाइम नहीं देंगे, सपोज कि इसको तो देना पड़ेगा, देखिए इसका तो मतलब बिल्कुल ही दूर, मतलब मेल को ये है आपको प्रॉपर, क्योंकि मेल में क्या है उसका एज कम्पेयर टू फीमेल उसका टेम्परामेंट और उसका ड्राइव ज़्यादा है, तो आप बेसिकली आपको पता होगा कि मैं घर पर नहीं रहता, तो मेल को क्या प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। फीमेल आप कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं फीमेल को, बट मेल को मैनेज करना, अगर यही मेल होते आपको मैनेज करना बहुत भारी हो जाता, क्योंकि मेल आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं बहुत से, मतलब जो मैंने देखे सभी नहीं चिढ़ते हैं, और वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं काफ़ी, तो एक रीज़न ये था मेरा मतलब मेल। तो भाई आपको दो डॉग मैंने दिखा दिए हैं, बाकी आप लोगों ने जर्मन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन यार मैंने भी पहली बार देखा था। अब आपको मैं एक बहुत ही स्पेशल डॉग दिखाने वाला हूँ, वो है भाई वाइट जर्मन शेफर्ड। प्रीत भाई एक बार इसको दिखाओ आप। भाई एक बार आप उसको छोड़ दो इसके पास। तो भाई जो एक मैं बता रहा था आपसे, जर्मन शेफर्ड आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने यार व्हाइट जर्मन शेफर्ड नहीं देखा होगा, तो भाई ये हमारा व्हाइट जर्मन शेफर्ड थोड़ा सा है। भैया भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम जून है, और बेसिकली ये वाइट जर्मन शेफर्ड में तो मतलब हम कह ही रहे हैं वाइट जर्मन शेफर्ड, एक नॉर्मल ब्रीड वो हो गया नाम इसका, बेसिकली इसको नॉर्मल जो नाम है इसका स्विस शेफर्ड है। स्विस शेफर्ड, स्विस जैसे आपने सबको देखा वो जर्मन शेफर्ड, वो बेल्जियन मेनलॉइज, ऐसे इसको स्विस शेफर्ड बोलेंगे, बट हम नॉर्मल भाषा में ज़्यादा मतलब समझाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इसको वाइट जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो स्विट्जरलैंड से है। अच्छा, जैसे कि उसका बेल्जियम से, इसका जर्मनी से, बेसिकली ये सारी की सारी यूरोपियन ब्रीड ही हैं डॉग की। एग्जैक्टली। बाकी भाई सुमित भाई एक बार इसका सिनेमैटिक शॉट ले दो एक बार चारों तरफ। ये भी काफी एनर्जेटिक ब्रीड है। तो भाई तीन डॉग मैंने आपको दिखा दिए, पहला बेल्जियन मेनलॉइस, दूसरा वो जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट, और भाई तीसरी ये क्या नाम है स्विस शेफर्ड, जिसको हम नॉर्मली व्हाइट जर्मन शेफर्ड बोल देते हैं। और भाई छोटा सा अब चौथा दिखाते हैं। भाई साइज में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन भाई अभी बेबी है हमारे लिए, बिल्कुल बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं हम इसको। तो भाई सागर भाई इसका नाम बताओ आप। ये भाई निक्स है, और ये 11.5 मंथ का डॉग है भाई, 11.5 महीने का बच्चा है देख लो। वैसे मतलब हाइट लेंथ के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन मेंटली जो है ये अभी एक बहुत ही बच्चे की तरह रहता है, बच्चों की तरह प्यार करना पड़ता है बिल्कुल।
तो भाई ये भी जर्मन शेफर्ड, ये भी लॉन्ग कोट है, ये भी लॉन्ग कोट में ही है। अभी थोड़ी सी शेडिंग की हुई है इसने थोड़ी सी, और अभी ये भी मतलब अपना खुल के आएगा, उस रंग पे 2 साल का हो जाएगा। बेसिकली फीमेल है ये भी फीमेल है और खुलेगी ये, मतलब अभी कोट वोट इसने पूरा अपना निकाल के आएगा। ये भी जर्मन शेफर्ड है, इसका भी ओरिजिन जर्मनी से है। तो भाई ये भी जर्मन शेफर्ड है, 4 डॉग दिखा दिए। बाकी अब सबसे छोटा मेंबर दिखाता हूँ मैं घर का, जो सबसे प्यारा मेंबर है वो ये सामने देखो बगीरा घूम रहा है। खा ले हाथ में, खा ले बगीरा, और अच्छा है। तो भाई ये है हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर, सागर भाई के घर का सबसे छोटा मेंबर है। देखो ये बच्चा है, इसका नाम है भाई बगीरा। ये भाई उसी का ही बेल्जियन मेनलॉइस का बच्चा है, वो जो सामने घूम रही है वो कितनी डेंजरस लगती है, और ये कितना प्यारा है। देखो ये देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, देखो कैसे लेट रहा है, छोटा सा बच्चा हो गया एकदम। सागर भाई ये 2.5 महीने का है ना? ये 2.5 मंथ का, 2.5 भाई ये 2.5 मंथ्स का है, और जितना ये प्यारा आप लग रहा है ना, एक टाइम देख कैसे देख रहा है मेरी तरफ। ऐसे करते करते थोड़ा ऐसे करते करते सो जाएगा ये। देखो भाई वो ही कह रहा था, एक छोटी सी बात मैं कह रहा था, कोई भी ये डॉग ब्रीड कोई भी मतलब वो नहीं है, डेंजरस नहीं है, बस ये प्रोटेक्शन है, डेंजरस कोई डॉग ब्रीड नहीं है। ये देखो भाई, कोई कह सकता है कि बेल्जियन मेनलॉइस जो भाई इंडियन के इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर कर रही है, वो भाई ऐसे गोदी में खेल रहा है। देखो आली, आली। तो भाई ये थे सागर भाई के डॉग्स, उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे लगे होंगे। तो भाई और भी पपीज आने वाले हैं सागर भाई के यहाँ छोटे छोटे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, या कभी जब भी आएंगे जब भी दिखा दूंगा मैं। बाकी आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, भाई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।